नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरजे में। आज हम भारतीय इतिहास के वे 500 प्रश्न डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और भारतीय इतिहास के इन 500 प्रश्नों में 20% प्रश्न बार बार लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं वे कौन कौन से प्रश्न हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। चलिए शुरू करते हैं वे कौन कौन से 500 प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। फिनिक्स फोरम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 फरवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो आंसर होगा आपका चौधरी रहमत अली। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। 1949 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक 1949 के लगभग। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। 10वां क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो वो इसका आंसर है आपका सुरेश सेन। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न जो है वो जयप्रकाश नारायण से है, और प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो वो जो पार्टी थी वो आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने किया दिया था? तो वो आपके आंसर हैं स्वामी श्रद्धानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड माउंटन बेटन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1947 में। सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 में आपका नौसैनिक विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाई गई? सीधी 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास विड़ला। ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक संस्था थी। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। पूना समझौता दलित वर्ग से संबंधित था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब की गई? तो ये पार्टी की स्थापना की गई थी 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। ध्यान रखें 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत होने की अनुशंसा की गई थी। 21वां क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों की दृष्टि से, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो हंटर आयोग की स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अप्रैल 1919 में हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। 25वां प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो है आपका भगत सिंह।
भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? दो बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। पाकिस्तान की मांग 1944 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946 में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ? यूपी में है भैया, गोरखपुर नामक स्थान है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? 1919 में पंजाब के अमृतसर नामक शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर द्वारा इस मासे करवाया था। 34th क्वेश्चन है, रोलक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रोलक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, ये ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में होता है। गांधी इरविन समझौता किस से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930s में हुआ था, उसके तहत गांधी इरविन समझौता हुआ था। 37वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो वो नायक तो हमेशा राम ही होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? 1928। 40वां प्रश्न की बात करते हैं, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो वो प्रश्न था आपका 1935 का अधिनियम। 23 फरवरी 1942 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो उनको राजी किया था सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके बाद में जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? कोलकाता में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो माउंट बेटन योजना थी। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने की थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वो आपका सेकंड गोल में सम्मेलन था। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास या सी आर दास ने। इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक सी आर दास ने लिखी थी। जनरल डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में की गई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर का टाइटल लौटा दिया था?
तो वो थे अपने गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई, इलाहाबाद में। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की, 1932 में महात्मा गांधी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ से की गई थी, तो वो है आपका सिंगापुर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, चर्चिल था भाई, ध्यान रखना है। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की स्थापना किसने की, राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की स्थापना किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन है ये, विवादित रहा था। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की स्थापना, 1931 के कराची अधिवेशन की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, तो वो गुजरात का बारदोली आंदोलन जो था उसमें सरदार जी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था, प्रस्ताव आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था, वो आपका अहमदाबाद गुजरात स्टेट के पास था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ, बंगाल विभाजन 1907 जो था उसके द्वारा। बंगाल के विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था, वो हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916। इस लखनऊ समझौते में 1907 की जो सूरत फूट थी उसके द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वो पुनः एक जगह हो के दोनों ने आगे की रणनीति एक ही मंच से संचालित करने का सुझाव प्रस्ताव पेश किया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, वो हैं निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत देने वाले अरविंद घोष हैं। 1906 ईस्वी की कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। 1906 की कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। 1908 ईस्वी का बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी, 6 वर्ष तक की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल में डाला गया था। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ, बंगाल से बिहार 1912 में पृथक हुआ। चलते हैं 79th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। राजनीतिक स्वतंत्रता ही की प्राण वायु है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, ये कथन किसका है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरविंद घोष का ये कथन है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ, 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ, 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, 1911 में।
82वां प्रश्न है, 1986-16 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? तो ये आपकी एनी बेसेंट ने करवाया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अरविंद बम कांड में अरविंद घोष का बचाव सी आर दास ने करवाया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजनी नायडू ने, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और सरोजनी नायडू ने 1916 का जो सूरत अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था, उसमें दोनों पार्टियों को एक जगह करने का महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कामागाटू क्या था, मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था ये, कामागाटा मारू। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन जो था उसका ये था। अनुशूलन शीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वो इसमें क्या है प्रश्न देखते हैं कि अनुशीलन समिति क्या थी। ये एक क्रांतिकारी संगठन था, इट वॉज ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। 90वां प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन बंगाल महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो वो है आपका चंपारण। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो वो है आपके हैदराबाद। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो प्रश्न का आंसर होगा 1945। चलते हैं आगे अगले वाली स्लाइड पे। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? 1922 की जो चोरी चोरा घटना थी उसकी वजह से। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का सन्यासी ए ओ ह्यूम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? बम्बई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। चलते हैं अगली स्लाइड पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के
बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल लाल बाल पाल को तो उग्रवादी माना जाता था। बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसने किया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1883 में। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ टैगोर की बुक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारका नाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण। 1905 से 1907 के जो 12 साल हैं वो उग्रवादी चरण के रूप में भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो हैं आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट, जिसने 1916 के लखनऊ समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष पारित हुआ? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गरम दलीय कौन नेता थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा 1909 में पेरिस का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वो है भीकाजी मैडम कामा पैट्रियोट, यानी देशभक्त पैट्रियोट नामक जो है समाचार पत्र ये प्रकाशित करती थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात हुआ 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई एक पत्रिका कौन सी थी? उन्होंने केसरी और मराठा नामक दो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? इस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली में लाया गया था। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पी के मित्रा। अनुशीलन समिति पी के मित्रा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 का सूरत कॉन्फ्लिक्ट में। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? बैरकपुर छावनी से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें हिंदू मुस्लिम एकता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणि कर्णिका। जबकि फिल्म भी इस पे भी बन रही है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 9 मई 1800
1858 को 9 मई 1858 को बिहार के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी और पूर्व योजना का न होना। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टी टेलर की रिपोर्ट में। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? वी डी सावरकर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया जाता है? तो वो रंगून जेल में इनको भेजा जाता है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली एकमात्र मर्द है? तो वो लक्ष्मीबाई इसका आंसर होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल का फूल और चपाती रोटी। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? तो वहां पे आपको कार्ल मार्क्स आंसर देना है। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? कंवर सिंह। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? आनंद मठ में। किसने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये है आपका उदारवादी चरण, जबकि 1905 से लेके 1917 तक का चरण जो है वो उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर ए ओ ह्यूम द्वारा, जो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, इंग्लिश ऑफिसर थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर का राजा कौन था? तो आपका कुंवर सिंह, इसमें पहले ही अपन ने इसको डिस्कस कर लिया है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर। वाइकोम विद्रोह जो है वो कहां हुआ था? 1924-25 में वाइकोम विद्रोह आपका हुआ था। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? वो है आपका 1906 में बंबई में ये किया गया था। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना वी आर शिंदे ने की थी। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु बहुजन समाज को कहा जाता है। बहुजन समाज की स्थापना वी आर शिंदे ने की थी। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राव पाटिल ने की थी। बहुजन समाज की स्थापना कब व कहाँ हुई? 1910 में सतारा में हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय।
अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। 1895 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1895 से 1900 यानी 5 साल तक जो आंदोलन हुआ वो बिरसा मुंडा उसके नेतृत्व करता रहे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बैरो को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंडाओं का विद्रोह कब किया गया? 1895 में, और मुंडा विद्रोह 5 साल तक चला 1900 तक। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। हो विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाएगी? बैठ बेगार पे। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाएगी? बैठ बेगार पे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? खोंड जनजाति ने। मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम एन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम व्यक्ति था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीन कटिया प्रथा से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा, जो 1895 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 के में मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह किसने किया था? गारो जनजाति ने। पागलपंथी आंदोलन गारो जनजाति ने किया था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? बड़ोदरा के महाराज ने। पुना समझौता किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक कृषकों को तीन कटिया प्रथा का विरोध करना। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? M.N. जोशी। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? M.N. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? 1926 से 1939 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन 1926 से 1939 तक चला। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना 1890 में। किस विद्रोह में कृषकों ने नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह में। किस विद्रोह में कृषकों ने यह कहा कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रयत होना चाहते हैं? तो वो विद्रोह है आपका पावना विद्रोह। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? 1919 में। नाई धोबी
बंद सामाजिक बहिष्कार आंदोलन कब चलाया गया? 1919 में। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ताना भगत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हमने 500 में से 225 के लगभग हमने प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगले जो शेष प्रश्न है 500 में से, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।